बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आ गया हूँ एक और नया सा वीडियो लेकर, और यह वीडियो है TDDSA पार्ट टू सेशन 19 से 22 का। जी हाँ दोस्तों, पार्ट टू का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। क्या कुछ न्यूज़ में दिया हुआ है, आइए बारीकी से जानने के हम बताते हैं आप सभी दोस्तों को। आपका पार्ट टू का एग्ज़ाम होगा उसके जल्द, जी हाँ दोस्तों, उसके जल्द बाद ही 1 या 2 माह के बाद ही आपका पार्ट थ्री का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से। पार्ट टू के एग्ज़ाम समाप्त तो होते ही आपका पार्ट थ्री का फॉर्म भराकर पार्ट थ्री का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं न्यूज़ के बारे में, तो ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। प्रेस करने से यह फ़ायदा होगा कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी और बिहार बोर्ड का हर एक पल का न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाता है, इसलिए आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए आइए जानते हैं, दिया है न्यूज़ में दोस्तों, सत्र नियमित करने के लिए परीक्षाओं की तैयारी में जुटा विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, सत्र को नियमित करने के लिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं में जुट चुका है, क्योंकि सेशन 19 से 22 का 22 में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन पार्ट टू का भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। अब आपका 5वां महीना चल रहा है दोस्तों, ठीक है, जिसके चलते विश्वविद्यालय जुट चुका है। आइए जानते हैं न्यूज़ में, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र, जी हाँ दोस्तों, स्नातक सत्र पार्ट टू सेशन 19 से 22, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सेशन 19 से 22 की परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है पार्ट वन की परीक्षा के बाद। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पार्ट वन की परीक्षा चल रही है जो 28 तारीख को समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, पार्ट वन सेशन 20 से 23 वालों का एग्ज़ाम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका पार्ट टू का एग्ज़ाम लिया जाएगा, न्यूज़ में दिया हुआ है यहाँ पर। पार्ट वन की परीक्षा के बाद पार्ट टू और पार्ट थर की परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पार्ट टू के बाद पार्ट थर की भी परीक्षा ली जाएगी, इसलिए आप सब दोस्त अपना तैयारी में लग जाइए अभी से, ताकि लंबे सत्र को समय पर लाया जा सके। पार्ट टू की परीक्षा का फॉर्म जल्द ही भराया जाएगा। UMIS समन्वयक डॉक्टर TK Day ने कहा कि जल्द ही पार्ट टू का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की जाएगी। पार्ट वन 20 से 23 की तरह सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसमें 55,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पार्ट टू की परीक्षा के बाद पार्ट थर्ड की परीक्षा की तैयारी भी की जा रही है, PG में भी दाखिले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। नए सत्र में सीटें बढ़ाई जा रही है, कई कॉलेजों में PG की पढ़ाई भी शुरू होने की। PG में सीटें 7,000 तक हो जाएंगे, अभी 5,300 सीटें पर नामांकन होता था, इसे PG पढ़ाई से बड़ी संख्या में छात्र लंबित रह जाते थे। पढ़ाई के लिए कई अन्य विश्वविद्यालय का रुख करना पड़ता, सीटें बढ़ने से राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि पार्ट वन का एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होता है, उसके बाद आपका पार्ट टू का फॉर्म भरवाया जाएगा, उसका जल्द ही उसके बाद आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा और जारी किया जाएगा आपका कब से एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही कोई भी न्यूज़ आता है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कब सबका फॉर्म भराएगा, कब से क्या होगा, कब से एग्ज़ाम होगा, A to Z सभी जानकारी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।